तो बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न माने। दाऊद गाड़ी रोके। क्या हुआ, सब खैरियत? मुझे लग रहा है जैसे गुड्डू यहीं है कहीं आसपास। नायाब, आपका वहम है, आपको ऐसे ही महसूस हो रहा है क्योंकि आप गुड्डू के बारे में ज्यादा सोचती हैं, इसलिए ऐसा है नहीं। दाऊद, मैं मानती हूँ मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे वो मुझे कहीं से देख रहा है। मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ और उसकी कदर भी करता हूँ, लेकिन इस तरह बीच सड़क पर खड़े होना ठीक नहीं है। वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन मामा, आप तो मेरी मामा है ना, तो फिर मैं आपको मामा क्यों ना बोलूं? बेटा, मामा की मजबूरी समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको मामा बोलूंगा तो क्या वो अंकल मुझे घर से निकाल देंगे? नहीं मामा, बस मुझे अपने आप से दूर मत कीजिएगा, मुझे सब मारता है, मुझे बहुत डर लगता है। मेरा बच्चा, मेरी जान। अब मेरा बच्चा मेरे पास है ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अपनी मामा के पास हो। हाँ, गुड्डू, है गुड्डू, क्या हुआ है तुझे? दर्द हो रहा है? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा की याद आ रही? क्या हुआ, क्या है, बोल तो। नहीं, मुझे उनकी याद नहीं आती। देख गुड्डू, वो तुझे ढूंढ रही होंगी। मुझे नहीं ढूंढेंगी। तुझे कैसे पता वो तुझे नहीं ढूंढ रही होंगी? किसी माँ का बच्चा खो जाए वो चैन से बैठती है? मुझे पता है। कटू देख, तुझे अगर अपनी माँ के घर का कुछ भी याद है तो मुझे बता दे, मैं तुझे ले जाऊंगी तेरी माँ के पास। तू कैसे लेके जाओगी? उसकी तू फिक्र मत कर, मैं तुझे ले जाऊंगी, ढूंढ लेंगे, लेकिन तू कोई जगह तो बता मुझे। इतना बड़ा शहर है, कोई कोई
मशहूर जगह, कुछ तो याद होगा। नहीं याद मुझे। अम्मा का नहीं याद घर, तो अब्बा का याद होगा, अब्बा के घर के आसपास की कोई जगह। देख गुड्डू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं तेरा ख्याल रखती हूँ ना, तुझे प्यार करती हूँ ना, तो तू मुझसे चीजें क्यों छुपा रहा है? मैं तेरा बुरा चाहूंगी क्या? नहीं ना गुड्डू, ये जिंदगी नहीं है। जो भी तू जी रहा है ना, ये जिंदगी नहीं है क्या? तुझे जिंदगी भर ये भीख मांगनी है? ये देख रहा है पीछे हीरोइन जी, ऐसे नशे करके पड़ा रहेगा क्या? पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा ना। तू अच्छे घर से है, तू अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, होता तो मैं भी चली जाती। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे रहने का। तू अपने माँ बाप के पास चला जा गुड्डू, तू समझ रहा है मेरी बात को? नवीद को समझाने की बजाय उसका साथ दे रहे हैं। मेरे भाई ने कसम उठाकर कहा है, सिद्रा वाकई दूसरे पार्लर में थी। क्यों यकीन नहीं आप लोगों को? साइमा बेगम, अपने खानदान और उसकी झूठी कसमों को तुम रहने ही दो। जैसे मैं जानता नहीं, साथ आई थी ना, तो साथ अंदर क्यों नहीं आई? और जिस हाल में वो अंदर आई, उसे देख के सबको अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा। बस कर दे जहीर, आपको अंदाजा भी? आप क्या कह रहे हैं, वो मेरी बहन है। अब भी इतना कुछ देखने और सुनने के बाद भी मैं ही बस करूं? मैं ही सोच समझ के बात करूं? कुछ होश करो साइमा बेगम, और मेरा मुंह ना खुलवाओ। मेरे भाई के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कहां जा रही हो मेरी इजाजत के बगैर? तुम कौन होते हो रोकने वाले? इसका शौहर होता हूं रोकने वाला। मेरा हक है इस पर। हक है? पता है हक क्या होता है और फर्ज कौन से निभाए तुमने शौहर होने के? खाला बीच में मत आए, ये हम दोनों का मामला है। तुम बताओ कहां जा रही हो? नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ। जा रही हूं मैं, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। देखता हूं कैसे पीछे छुड़ाती हो तुम मुझसे। और तुझे लगता है इसके घर वाले मिल जाएंगे? हाँ, तो हर्ज क्या है? टाइम कोटिंग मत कर, ऐसे कोई नहीं मिलता। क्यों पागल बन रही है फालतू में? तो तूने सोच लिया है, तू मदद नहीं करेगा? ठीक है, तू अकेले इश्के वाला नहीं है, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। चल गुड्डू। सुन, चल लेके चलता हूँ। मैं लेके नहीं मान रहा।
अरे तनवीर थोड़ा आहिस्ता चला, इतनी जल्दी जल्दी में इसको क्या नजर आएगा। अब तू मेरा दिमाग शार्ट कर रही है नाजो, कुछ भी नहीं याद आने का इस छोकरे को। मैं बता रहा हूँ ऐसे क्या पूरा पूरा मोहल्ला घूमते रहेंगे, सारा का सारा पेट्रोल खत्म करा दिया रक्षिका इसके घर के चक्कर में। वैसे है तू बड़ा ही कंजूस। मैं डलवा दूंगी तुझे पेट्रोल, अभी आगे तू चल। अभी अड्डे पर तेरे अब्बा और तेरी अम्मा आई ना और तुझे वहाँ पे नहीं देखा, फिर जो तेरी शामत बनेगी ना मुझे ना कहियो फिर। चल ना अभी आगे चल। गुड्डू ये अच्छा मोहल्ला लग रहा है तेरा है क्या? नहीं ये तो नहीं है। पागल बना रहा है डेर छटाक का छोकरा तुझे, मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं। तनवीर आगे चल लेना, किसी का भला हो जाएगा। अरे पागल दिमाग, अगर ये बच्चा वाकई गुम हुआ होता तो उसके घर वाले कहीं तो तलाश करते, इसे मस्जिद में ऐलान कराते, केबल पर चलाते। मैं सच कहूं ये छोकरा ना घर जाना ही नहीं चाहता। कोई काम कर, हिला फुसला कर इससे सच पूछ ले। कह तो तू ठीक रहा है, ये बता अभी तो कुछ नहीं रहा, चल वापस ही ले ले। ये ले भाई पानी पी ले। मुझे प्यास नहीं। भाई आप कहाँ थे? हमने इतने फोन किया, आपने एक फोन भी अटेंड नहीं किया ना कॉल बैक की। आप जानते हैं आपके लिए कितने फिक्रमंद थे हम सब। मेरे लिए फिक्र मत, क्या अपने लिए फिक्रमंद हो गए थे? तुम लोगों को तो लग रहा होगा कि कहीं तुम लोगों का भाई ये घर छोड़कर चला तो नहीं गया। कहीं तुम लोगों के हाथ से ये आसामी निकल तो नहीं गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे शहर का हर अस्पताल, यतीम खाना, गली मोहल्ला, हर जगह देखा हो लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला। न जाने मुझसे खफा हो के वो कहां छुप गया। अब ये सोच रहा हूं कि वो मेरे सामने आ भी गया, उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा। मैं तो एक बाप होने का हक भी नहीं अदा कर सका। अरे मैंने तो उल्टा उसकी मां को उससे छीन लिया, उसकी हिफाजत नहीं कर सका, कैसे देख सकूंगा उसकी आंखों में मैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सारे कसूर मेरा है। मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। तुम्हारी नीयत का मैं क्या करूं सिद्रा? तुम्हारे अमल ने तो मुझे नुकसान पहुंचाया ना, मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया और तुम कह रही हो तुम्हारी नीयत देखूं। दफा हो जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज भाई अपनी हालत देखें, कुछ खा ले, कुछ पी ले। मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे इस वक्त अपने बेटे को तलाश करना है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन? इस वक्त पुलिस स्टेशन क्यों भाई, थोड़ा आराम कर ले, सुबह चले जाइएगा। तुम लोगों की तरह कमजोर नहीं हो, कि अपनी कमसन औलाद के खो जाने के बाद यहां चैन की नींद ले सकूं। इतना कम सिर्फ नहीं हूं मैं।
कौन है ये छोरा? भाई ये मेरा, क्या हुआ? देखना जो झूठा बकियो मेरे सामने, मैं नहीं जानती तेरा कौन सा बहन भाई है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये भाई ही है मेरा, क्या पूछ लो किसी से भी। तुझे पता है ना नाजो, बानों से झूठ बोलने का मतबल क्या है। अरे छोड़ो, क्या हो गया है भाई, ये बोल रही हूँ ना कि क्या ना समझे अभी तू नाजो। अरे झूठ बोलने का मतबल तो तुझे पता होना चाहिए। जाओ अपना काम करो, आ गई बड़ी। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, साली बड़ी उड़ रही है, देखते हैं। अरे वहीं ध्यान से देख नाजो, मेरे सर में वैसे दर्द हो रहा है। नहीं अम्मा, तो मैं क्या अंधी हूँ, खुद देख ले, कुछ नहीं है खाने को, बच्चों को भूख लगी है, क्या दूँ अब मैं इनको। देख नाजो, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे साथ भेस मारी मत कर। लो भाई लो, ये लो, ये डाल के दे सबको। दरबार से लाया हूँ, एक में बिरयानी है एक में जर्दा है। तुझे क्या हो गया, क्यों सर पे पट्टी बांधी हुई है? वही सर दर्द है, दर्द करोगी मेरा कौन है जो मेरी दवा दारू करेगा। अबे खाना ला तो दिया, अब क्या सराने बैठ के सर भी दबाऊं तेरा? ऐसी किस्मत का मेरी, नाशुकरी ना कर रखी। ऐसे शोरों की नाशुकरी करने वाली औरतें ना दोजख में जाएंगी, दोजख में। हाँ तुझे बहुत पता है, कैसी औरतें जहन्नुम में जाएंगी, तू बड़ा जन्नत में जाएगा। ओए अपनी जुबान को पट्टा लगा ले, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। अबे निकाल ना, निकाल के दे, क्या कर रही है? दे ना अभी। गुड्डू खा लेना खाना, भूख नहीं है। रुक, ये वाली बोटी मेरी है। अरे सॉरी, बोटी मेरी है, जैन में मैं लगा था मजार की, तू लगी थी बोटी। ये ले गुड्डू खा, पकड़ ना। अबे ये कहीं का नवाब लगा हुआ है, है? सारी बोटियां उसको दे रही है, हम क्या खाएंगे? अबे तू कितना कमा के लाया है? बेटा खाना खा लूं फिर पूछता हूँ तुझसे। खाना गुड्डू, अब्बा की फिक्र मत कर, जाने दे इसको। छोड़ दे, बोटी को पकड़ दिया। मैंने नहीं खाना। खा 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 ले, आलू खा ले, आलू ये ले, पूरा दे दिया, बोटी हमारी। देख रही अम्मा? अम्मा का जो गद्दा खा भी देता।
डॉक्टर ने नींद की दवा दी, कई रातों से सोई नहीं थी। शाम को तो उसकी कैफियत देख के मैं भी डर गया था। दाऊद, मैं तो उस वक्त से सहमी हुई हूँ जब से ये सिलसिला चला है। क्या मतलब? भाई देखो ना, तुमने भी तो दिल बड़ा कर लिया था, बेशक उस औरत की मोहब्बत में या बच्चे की हमदर्दी में। उस बच्चे को घर लाए, उसका ख्याल किया, स्कूल में दाखिल कराया, उसकी हर जरूरत पूरी की। अब ऐसा भी नहीं कि हमने उसे कोई घर से निकाला हो। वापस की बात मैं अभी यही सोच रहा था, एक छोटा बेजर सा बच्चा ही तो था, कुछ दिली से अपना लेते उसे। हमने भी तो तंगदिली का मुजाहरा किया। अब ये बात तुमने बिल्कुल अलग की है। देखो, घड़ी भर को अगर कोई हम नया जानवर भी घर में लेके आते हैं ना, तो ना तो दिल में जगह बनती है फौरन, और ना ही घर में। और तुमने तो इतनी हमदर्दी की, हर तरह से अच्छा सलूक किया, पर मामला अब कुछ और है। देखो दाऊद, तुम ना दिल के बड़े ही सादा हो और नियत के भी। मैं जानती हूं तुम्हारी नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन जो वो औरत है ना, देखा नहीं उसकी आंखों में कैसी चमक आती है अपने साबका शौहर को देखकर। भाई अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा ना, तो लिखवा लो मेरी बात, वो खुद खुला मांग लेगी तुमसे। क्योंकि ये बच्चा जो है ना, ये तो बहाना है, सिर्फ मियां बीवी के आपस में मिलने का बहाना है कि वो जाती रहे आती रहे, बस किसी बहाने से मिले और तुम खुद ही तंग आ जाओ। जब तुम खुद ही तंग आ जाओगे, गैरत में आके उसे छोड़ दोगे, बस उसको तो छुटकारा मिल गया। और यही तो उन दोनों का प्लान है। मुझसे छुटकारा पाने के लिए फिर उसे मेरे मरने का इंतजार करना बानो। हाँ अम्मा बानो। हैं? तो डायन ने तेरा रास्ता क्यों रोका? अम्मा उसने गुड्डू को पकड़ लिया था और कहती है ये असली भाई नहीं है तेरा। हैं? फिर बोलती है कि मुझे सब पता है तेरा असली भाई बहन कौन है। हाय वो बेगैरत औरत बहुत कमीनी है, किसी को सुकून से नहीं जीने देती। अम्मा क्या करेगी वो? वो बहुत बड़ी बदमाश औरत है, उसके भेजे में जो अभी उल्टा सीधा आ जाए वो कर देगी। सुन अपने अब्बे को ना बताई। हाय अम्मा मैं अब्बे को क्यों बताऊंगी? ना जो, और जिस दिन ये लड़का तेरे साथ आया ना, उसी दिन मुझे शक हो गया था कि कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। अम्मा ये बानो को पुलिस ने नहीं पकड़ लिया था पुड़िया बेचते हुए? हाँ तो थाने गई थी। सुन ना जो, अपना तू रास्ता बदल लियो। हाँ अम्मा वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन इसने गुड्डू को क्यों पकड़ा? ना जो, इस छोरा को छोड़ कर आजा जहाँ से लाई थी। देख ये बानो जो है ना, इसको टिकने नहीं देगी यहाँ पर। अरे अम्मा इसको मैंने सड़क से उठाया था, तो अब क्या सड़क पे छोड़ा हूँ? चल हट। हाय दबा तो रही हूँ आज तेरा सर। ऐसी बातें करती है, सर में दर्द और हो गया। तो
आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को हमने अगवा किया? बात सिर्फ किडनैप की नहीं, मुझे तो इससे भी ज्यादा शक है। आपने बच्चे से जान छुड़ाने के लिए कहीं उसे रास्ते से तो नहीं हटा दिया? इंस्पेक्टर साहब, गुड्डू मेरा बच्चा है, मैं माँ हूं उसकी, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है वो। देखे बीबी, पुलिस को तफ्तीश करते वक्त हर जाविये हर एंगल से देखना पड़ता है। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? हो सकता है मुझसे बात ना करना चाह रहे, अगर क्यों? लगता है शायद गुड्डू इन्हें मिल गया है और ये जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहे हैं। कदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न मानी, बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा, कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवा मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा, बेताब हूँ मैं बेताब है तू फिर कैसा ये गिला, बेपरवा मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा, बेताब हूँ मैं बेताब है तू फिर कैसा ये गिला। सयोनी सयोनी मुख में क्या करे खुलासा, इश्क था जरा सा, हमको तो हासिल ना हुआ,
जिस डगर भी जाए खुद को ढूंढ लाए, तन्हा था तन्हा ही रहा। कह दो अब तो जो कहना है, मिलना है या बिछड़ना है, बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह ये तो बेवकूफ है। आप दोनों क्यों बातों में आ गए इसकी? ये बात तो जिस बाती है, आप समझाएं उसे। अरे वो जो कुछ देखकर आया है ना, वो किसी के नहीं सुनेगा। मियां बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की तलाक मांग ले और घर आकर बैठ जाए। बस कर दें आप ही, जब से आप आई हैं एक ही बात किए जा रही है। चुप करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। चुप नहीं करूंगी मैं। ये मेरी जिंदगी और इससे अब और खेलने नहीं दूंगी आपको। इसमें जो कुछ होगा उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगी। बकवास बंद करो अपनी। देख रही हैं आप कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी? कैंची की तरह तो तुम्हारी जुबान भी चल रही है, और वो भी उसकी वकालत में जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, आप इसको शह ना दें, तलाक लेना कोई इतनी आसान बात नहीं है। घुटने के साथ लगाकर बिठाएंगे इसे सारी जिंदगी। आप मेरे घर बसने की फिक्र ना करें, आप अपनी फिक्र करें, अपने लिए सोच सकती हूँ मैं। अच्छा, क्या सोच लोगी? जरा हमें भी बताओगी? वो मुनीब के इश्क का भूत आज भी तुम पे सवार है? हाँ, कभी कभार मुझे लगता है आप मेरी बहन नहीं मेरी दुश्मन है। देखें देखें, दुश्मन बोल रही है मुझे। इस घर में भी दुश्मन बोलती है और वहां भी दुश्मन बोलती है मुझे। चुप करो तुम, और मुझे ये बताओ तुम्हें क्या चीज खींच कर लाई है यहाँ? अगर तुम जेवर के लिए आई हो ना, फिलहाल भूल जाओ उसे। क्योंकि जितनी मुश्किल से बाद ने ये घर खाली करवाया ना, वही जानता है। इसको ना छेड़ो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस जेवर की बात कर रही हैं आप? मुझे तो कभी कभी लगता है ये और वो सिर्फ आपकी दो ही औलादे हैं, मैं नहीं हूं। हमेशा बेइज्जत करके आपने मुझे यहां से निकाला है। अम्मी, मैं जरा सौदा सेल्फ लेके आती हूँ। भाई सुबह से निकले हैं, रात में घर आएंगे तो खाने को कुछ होना चाहिए। हाँ, भेजे इसे जरा सौदे से। Oh,
ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवा क्यों बात न मानी।